हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 तक हम आपको बता दिए थे, आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6। तो पहले ये जानेंगे कि चैप्टर नंबर 6 चैप्टर है उसका नाम क्या है और उनके लेखक कौन है। तो यहाँ पे हम आपको लिखे हैं चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का क्या नाम है, एक लेख और एक पत्र। क्या लिखे हैं, एक लेख और एक पत्र। तो इनके लेखक कौन है, इनके लेखक है भगत सिंह। कौन है इनके लेखक, कौन है भगत सिंह। और भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। यहाँ पे सिर्फ उसको बताया गया कि 1907 में हुआ था, लेकिन किस तारीख को हुआ था ये नहीं बताया जा रहा है। और उनका मृत्यु कब हुआ था, 1931 में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। यहाँ पे लिखे हैं जो एक लेख और एक पत्र है इनके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है गुरुदेव, बी में है भगत सिंह, सी में है बालकृष्ण भट्ट और डी में क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है क्या है, भगत सिंह। तो भगत सिंह ने क्या लिखा है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह। उसके आगे है क्वेश्चन आपका, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है। भगत सिंह बोल रहे हैं कि जो आत्महत्या जो लोग करते हैं उसके अनुसार क्या है, मतलब भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है। ए में दिया है कायरता, बी में है निर्भीकता और सी में है ए और बी दोनों और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या है, कायरता। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है, वो है आपका कायरता, मतलब डरपोक। बी उसके आगे है क्वेश्चन आपका, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सही कहा है। भगत सिंह ने जो मृत्यु होता है तो उसने कहा है कि कैसे मृत्यु हो तो उसको सही माना जाता है। ए में दिया है असामयिक मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी, सी में है युद्ध को और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भगत सिंह बोले हैं कैसे मृत्यु को सही माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। जो देश के हित में फांसी दी जाती है तो उसको क्या मानते हैं, हम सही मृत्यु मानते हैं। उसके आगे आपका, विद्यार्थी को राजनीति में क्या क्यों भाग लेना चाहिए। भगत सिंह बोल रहे हैं कि राजनीति में विद्यार्थियों को क्यों भाग लेना चाहिए। ए में आपको दिया है, विद्यार्थी देश के कर्ण होते हैं, मतलब कर्णधार होते हैं। उसके आगे, विद्यार्थी ही सिर्फ नेताओं बन सकते हैं। सी में, छात्र को विद्यालय तक सम्मिलित रखने की राय पर। डी में, इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी देश के कर्णधार होते हैं। आने वाले भविष्य में जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, देश के कर्णधार होते हैं या देश की सेवा करते हैं। उसके आगे है, भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था। यहाँ पे हम बताए थे 1907 में, लेकिन यहाँ पे 1907 दिया है, यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है, लेकिन आपको ये देखना है कि किस तारीख को हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 28 सितंबर 1907 को, बी में है 28 सितंबर 1906 को, सी में है 28 नवंबर 1907 और डी में क्या है, 28 मार्च 1907 को। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 28 सितंबर 1907 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके आगे आपका क्वेश्चन, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे। भगत सिंह थे, सरकार कैसी राय देती है तो भगत सिंह उसके ऊपर गुस्सा करते थे या खफा होते थे। ए में दिया, छात्र को राजनीति की ओर प्रेरित करने पर। बी में, छात्र को राजनीति से दूर रखने पर। सी में, छात्र को विद्यार्थी तक सम्मिलित रखने पर। डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे। तो भगत सिंह जो थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है, छात्र को राजनीति से दूर रखने पर वो क्या होते थे, खफा होते थे।
उसके आगे है हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की जरूरत है। बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान में कैसे देश सेवा करने वाले या सेवकों की जरूरत है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है, जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। बी में है, जो देश के विकास में योगदान दे। सी में है, जो दुनियावादी में फंसे रहे। और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे, ऐसे देश सेवकों की क्या है, जरूरत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके आगे है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं था। मतलब भगत सिंह की कौन सी ऐसी भावना है जो उनके मन में उसका स्थान नहीं था। ऑप्शन ए में दिया है क्रोध का, बी में है लोभ, सी में अहंकार और डी में क्या है, प्रेम। तो यहाँ पे जो उनकी भावना का स्थान था, कौन सा भावना नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या, प्रेम की उसकी भावना में कोई स्थान नहीं था, उसके पास प्रेम नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। उसके आगे इधर लिखे हैं, अब भगत सिंह किस घृणता तथा कायरता पूर्वक कार्य मानते हैं। भगत सिंह कौन से ऐसे कार्य लोग करते हैं या कोई करता है तो उसको घृणता मानते हैं और कायरता पूर्वक मानते हैं। इसमें दिया है देश सेवा, देशों की सेवा। बी में है देश की भावना और सी में क्या है, आत्महत्या। और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो लिखे हैं हम घृणता, घृण और कायरता पूर्वक, तो आत्महत्या को क्या मानते हैं, वो घृणता मानते हैं और कायरता पूर्ण मानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, सी सही होगा। उसके आगे है, भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होती है। भगत सिंह बोल रहे हैं कि कौन सी मृत्यु सुंदर होती है, किसी अनुसार, भगत सिंह के अनुसार कैसे मृत्यु हो तो क्या मानते हैं, सुंदर मानते हैं। ए में दिया है फांसी से प्राप्त, बी में गोली खाकर, सी में है आत्महत्या और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। फांसी से जो प्राप्त होते हैं, जिसको देश के जनहित में फांसी दिया जाता है, उसको क्या मानते हैं, वो उसके अनुसार मृत्यु को मानते हैं वो सुंदर। उसके आगे किस प्रकार का प्रयत्न न्यायपूर्वक नहीं माना जा सकता। किस प्रकार की जो प्रयत्न होते हैं उसको न्यायपूर्वक नहीं माना जा सकता। ए में दिया जल्दबाजी का, बी में है अनावश्यक एवं अनुचित, सी में है उचित एवं जरूरी और डी में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। अनावश्यक एवं अनुचित को क्या मानते हैं, प्रयत्न न्यायपूर्वक नहीं मानते हैं। जो अन्याय हो उसे नहीं मानते हैं, जो अनित हो उसको नहीं मानते हैं। उसके आगे भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है स्वर्ण सिंह, बी में है अजीत सिंह और सी में क्या है, कस्तार सिंह सराव और डी में क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसमें बोला जा रहा है कि जो भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे, तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी में कस्तार सिंह सराव। उसके आगे है आपका, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। जो भगत सिंह थे, तो गणेश शंकर जो विद्यार्थी था उसके द्वारा निकली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। जो उसने पत्रिका कौन सा निकाला, गणेश शंकर विद्यार्थी जो था वो कौन से पत्रिका निकाले कि उसे भगत सिंह क्या हुए थे, जुड़े थे। तो ये में दिया है उत्साह, बी में है प्रताप, सी में है दीनमान और डी में क्या है, संघर्ष। तो यहाँ पे जो आपका प्रताप है, इसी वो क्या थे, उसी पत्रिका से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। कौन, भगत सिंह। उसके आगे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। भगत सिंह ने 1926 में किस दल का गठन किए थे। ए में दिया है नवयुवक भारत सभा का, बी में है नवयुवक संघ का, सी में है नौजवान दल का, डी में है नौजवान भारत सभा का।
यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नौजवान भारत सभा का क्या किया था, दल गठन किया था। और कौन किए थे, तो भगत सिंह ने किए थे। और कब किए थे, तो 1926 में किए थे। उसके आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार शिक्षा का जरूरत नहीं है। जो भगत सिंह के अनुसार बोला जा रहा है कि किस प्रकार की शिक्षा का जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ऑप्शन में दिया है कि जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हासिल की जाए, जो बी नंबर में दिया है जो सिर्फ क्लर्की के लिए हासिल किया जाए, जो सिर्फ ज्ञान बदलने के लिए किया जाए, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षा का जरूरत नहीं है, मतलब कैसे शिक्षा का जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो सिर्फ क्लर्की के लिए हासिल की जाए, उसको क्या है, उसके लिए जरूरी नहीं है। चलिए, तो आज का चैप्टर नंबर 6 आपका खत्म हो गया। और इस चैप्टर के लेखक कौन है, भगत सिंह, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इस चैप्टर का क्या नाम है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है, तो आपको बताना है भगत सिंह। और उसके आगे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भगत सिंह का जन्म किस दिन को हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। ये आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर याद रखना है। तो चलिए, आज का इस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे YouTube चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा, और आपके जो दोस्त हैं उन लोगों के साथ शेयर करिए कि जो भी 12th में है उनके पास हिंदी का वीडियो पहुंचे, और वे अपना MCQ या ऑब्जेक्टिव का पूरा पूरा अच्छा से तैयारी कर सके और हिंदी में अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। चलिए।